हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है और लोन लेने के बाद आप अपनी सिविल स्कोर की रिपोर्ट है उसको चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट को चेक करने के बाद में आपके में IBL फाइनेंस लिमिटेड, मतलब कि आपने लोन नहीं लिया है या लोन लिया है और लोन लेने के बाद में आपने मतलब कि अपना लोन का भुगतान समय से कर दिया है और आपने क्लोज भी कर दिया है, फुल पेमेंट कर दिया है, लेकिन आप सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं तो आपके में यहाँ पर दोस्तों एक्टिव लिखकर आ रहा है, यहाँ पर क्लोज लिखकर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपका जो IBL फाइनेंस लिमिटेड क्लोज क्यों नहीं हुआ है, आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं। और इसको क्लोज कराने के लिए, IBL फाइनेंस लिमिटेड का जो लोन है उसको क्लोज कराने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनानी होगी, इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के काम की और इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के में IBL फाइनेंस लिमिटेड का लोन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, IBL फाइनेंस लिमिटेड एक दोस्तों धनी कंपनी है, उसके द्वारा लोन दिया जाता है। और जिन लोगों ने धनी कंपनी का फुल पेमेंट कर दिया है उसके बाद अगर वो अपनी रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं तो 2-3 महीने बाद उनने अपना पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन उनका एक्टिव की एक्टिव दिखा रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को लिए क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपके लिए इस नंबर पर कॉल करना होगा, जो ऊपर की साइड में आपके सामने नंबर लिख कर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करना होगा। जैसे हम इस नंबर पर कॉल करते हैं तो धनी कस्टमर से आपके लिए बात करनी है कि हमने IBL फाइनेंस लिमिटेड का मतलब कि पूरा भुगतान कर दिया है और हम रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं तो हमारा जो है लोन है वो एक्टिव दिखा रहा है, क्लोज नहीं दिखा रहा है। तो वो आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आप इसको क्लोज कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको धनी कस्टमर केयर को मेल करनी होगी, मतलब कि धनी कंपनी वालों को मेल करनी होगी। जैसे ही आप वो धनी कंपनी वाले को मेल करने के लिए बोलेंगे तो आपके लिए मेल करने में आपके लिए क्या क्या सेंड करना होगा, अपना दोस्तों आपके लिए नाम लिखना है, अपना मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है और अपनी ईमेल आईडी को ज़रूर लिखना है। और एट द रेट दोस्तों धनी के जो मतलब जीमेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगी, उस जीमेल पर आप आसानी से मतलब अपना नाम रजिस्टर्ड नेम वगैरह जो भी है जानकारी है वो आपको कस्टमर केयर बता देंगे। जैसे ही आपको वो सभी डिटेल्स बता देते हैं उसके बाद आप मेल कर देते हैं, उसके बाद लगभग 43 डे के बाद आपका जो एक्टिव प्लान है मतलब कि एक्टिव है लोन, वो क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आपका क्लोज नहीं होता है तो आप दोबारा से मेल कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार मेल करेंगे तो आपका प्लान मतलब कि जो लोन है वो क्लोज दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों, आपकी सबसे अच्छी बात आपके लिए बता दें कि अगर आप मतलब कि मेल करते हैं तो मेल में अपनी ईमेल ज़रूर डालें, जिससे कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत मतलब कि सूचना मिल सके कि हाँ, आपको जो प्लान है एक्टिव है इसको क्लोज करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, आपके लिए मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि हाँ, आपकी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिए और आपका एक्टिव प्लान है वो जल्द ही क्लोज हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।